difference between IIM, IIT and other institutions. Many of you must have appeared for the IIT JEE examination. Yes or no? IIT JEE, IIT का जो environment है, जो वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ जब छात्र जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है. भारत के और दूसरे संस्थानों में उससे तो अच्छा पढ़ाई ना हो पाए. क्यों? What is the difference? What is the difference? Building? बड़ी building है, अच्छी पढ़ाई होती होगी. That is not the basic difference. Surrounding मतलब क्या? वहाँ का घर, परिवार, खेती, मैदान, पहाड़, teachers, library, IIT library is such a good library, हाँ? लेकिन वही छात्र कह सकता है कि हमको मेरे लिए IIT की library बढ़िया है, जो हमारी library, सिमेज की library में 50,000 किताबें हैं, 1% किताब पढ़ने के लिए कितनी किताब पढ़नी पड़ेगी? 50,000 किताबें हैं, 1% किताब पढ़ने के लिए कितनी किताब पढ़नी पड़ेगी? 500. तुम लोगों से कोई को मैं वो टारगेट नहीं दे रहा हूं, 1% भी पढ़ने का टारगेट नहीं दे रहा हूं. 50 किताब पढ़ लेना, 50,000 किताब पढ़ने से तो तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है. और जो ये 50 किताब नहीं पढ़ेगा वो यह नहीं कह सकता है कि IIT की लाइब्रेरी उसको बेहतर बना देगी. ये सुनो, जिसने 50 किताब भी नहीं पढ़े उसको 5,00,000 किताब से कोई अंतर पड़ेगा? सो इट इज नॉट द लाइब्रेरी, इट इज नॉट द लैब. अगर वहां कंप्यूटर है तो कंप्यूटर 200 तुम्हारे पास भी रहेंगे, क्या कर लेगा कंप्यूटर जब तक तुम नहीं चाहोगे? सो आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IIT एंड अदर इंस्टीट्यूशन. कैन दिस सिंधु सर इज ओवर हियर, आई बी एबल टू प्ले इट डायरेक्टली? आई थिंक आई विल बी एबल टू प्ले डायरेक्टली. वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू सिंधु. वॉइस इज नॉट कमिंग. ये इसके पहले लिखा हुआ था, एग्जाम से 24 घंटे पहले का सीन जो भारत के किसी भी कॉलेज में देखने को मिलता है. अब ये सच्चाई है भारत की. हम एक तरफ IIT की बात कर रहे हैं जहां एग्जाम का समय छोड़ दें, आप साल में कभी भी किसी भी दिन जाएंगे तो रात के 2 बजे और 2:30 बजे वहां की लाइब्रेरी में आपको पढ़ते हुए छात्र और वर्कशॉप में प्रोजेक्ट बनाते हुए छात्र मिल जाएंगे. यू गेटिंग माय पॉइंट? और अभी हम एक सीन दिखा रहे हैं आपको, ये किसी साधारण या किसी भी दूसरे कॉलेज में, नाम किसी का लेने की कोई जरूरत नहीं, कहीं का भी हो सकता है ये. एग्जाम के 24 घंटा पहले. दिस इज इट, एग्जाम भी बिगिंस. तो अभी बजे 9:30, मतलब पूरे 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग नैप टाइम, सोशल टाइम, बॉम्बे टाइम, लेट्स से 8 आवर्स, 17 चैप्टर्स, 1 आवर ईच, तो भी 1 घंटा बचेगा रिवीजन के. 100 में से 85 भी अटेम्प्ट किए तो 75 मार्क्स तो आ ही जाएंगे. टोटल CGPA कम्स अराउंड 7.5. सही, लेट्स इट. यानी अनुष्का, दीपिका और सुनिश्चित तो बहुत ही शायद कौन से बैठ गए. हाँ, हाथ कर लिया मैंने, पूरे धोखे आ गए. एक्चुअली कहाँ ये फ्रेश, फिर आराम से बैठ गए. मिनसेन starts tomorrow with only study, do not disturb. अरे प्रोजेक्ट तो नहीं, VDP एक कमेंट कर लेते हैं, फिर आराम से बढ़ाओ. अरे 2-3 किलो तो वेट बढ़ा है तुम्हारा, तो उसमें क्या? अरे इसी के से बदतमीजों की तरह ऑफलाइन हो गए. If you share this because Saraswati, something good will happen in the next 24 hours. एग्जाम का टाइम है भाई, कौन रेस खेलेगा? जय माता दी, जय ओटीडी रागिनी SMS का ट्रेलर. चलो भाई, लेपर्जी काम खत्म, अब पढ़ाई शुरू. सिर्फ
तो अभी बचे 14 आवर्स 17 चैप्टर्स, तीन अगर मैं भी करूंगा तो 75 मार्क्स अटेम्प्ट कर लूंगा, 65 अगर आ जाएंगे तो टोटल सीजीपीए अराउंड 6.5 तो हो ही जाएगा, पिछले साल से कम है, पर फटाफट दो चैप्टर की लीड ले लेता हूं, बाकी किसी ने तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा। यार बच्चे बोलते हैं कि सर मेहनत करेंगे, सीमेज में एडमिशन लेते वक्त भी बहुत से छात्र कहते हैं कि सर मेहनत करेंगे, मेघा मैम को मैं देखता हूं जब इंटरव्यू लेती है तो पूछती है बोलो इतना मेहनत करना पड़ेगा करोगे, बच्चा बोलता है यस सर, इतना देर क्लास करना पड़ेगा करोगे यस सर, पुदार सर पूछ रहे हैं बहुत मेहनत करना पड़ेगा हो पाएगा यस सर, हमसे कोई दिक्कत होता है तो पहले बोलते सर मेहनत कर लेंगे सर, अरे व्हाट इज मेहनत, तुम मेहनत करने के लिए बना है, मेहनत करना चाहते हो, जितना आराम मिल जाए उतना अच्छा लगता है, कुर्सी और आरामदेह होती तो और कितना अच्छा होता है, ये सुनो हां क्या जी, और पीछे जाने चाहिए थी है ना हां तो तुम आराम करने के लिए बने हो ऐसा भावना है, व्हाट इज मेहनत, जिस काम को करने का मन ना करे और तब भी करें वो क्या है मेहनत, तो दो उपाय है, या तो मन लगा करके पढ़ो, मन कर रहा है पढ़ने का दैट इज द बेस्ट उपाय, और जब मन नहीं लगे तो अब क्या करना होगा, तो मेहनत करके पढ़ना होगा, आप चूज कर लो आप मन लगा के पढ़ोगे या मेहनत करके पढ़ोगे, कभी कभी तो मेहनत भी करना पड़ेगा, हर समय मन नहीं लगेगा, जब नहीं मन लगे तो मेहनत कर लेंगे, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, बिना मेहनत के मैं जब भी जो काम करता हूँ हर बार मन से करता हूँ, कभी कभी मेहनत भी करना, बिना मन के मेहनत करनी पड़ती है, करना पड़ेगा।